Hello everyone. Today in this particular video, I'll be discussing you all significance of difference between two means, small t nikalne ka method aapka. तो इसमें इंडिपेंडेंट मीन को सैम्पल साइज जब स्मॉल होगा तब कैसे निकालते हैं ये देखेंगे. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल टू ग्रुप्स आर बीइंग गिवन, वन इज ऑफ मैथ्स एंड सेकंड वन इज फॉर सोशियोलॉजी. तो देखिए दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स दिए गए हैं, दो इंडिपेंडेंट मीन्स दिए गए हैं, इनके बीच का टी निकालना है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालना है. पहला जो ग्रुप है दैट इज मैथमेटिक्स, तो ये स्कोर आपको गिवन रहेगा, मतलब दिस एक्स वन स्कोर इन मैथ्स ये गिवन है. इसका जो एन है वो 10 है, 10 बच्चों का ये स्कोर दिया गया है. तो इस स्कोर के बाद सबसे पहले आप निकालेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे. तो सिग्मा ये जो एक्स वन आ गया, सिग्मा एक्स वन मीन इस पूरे का टोटल हो जाएगा सिग्मा एक्स वन जो हो गया है 605. इसको कर देंगे मीन निकालने के लिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर. तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन इज 10, आंसर विल बी 60.5 जो ये आपका गया. अब आप सबसे पहले एक्स वन निकालेंगे, स्मॉल एक्स वन. इसके लिए क्या करते हैं, ये जो x1 है ये वाला जो आपका वैल्यू है इसको कर देते हैं माइनस इससे और ये आंसर आ जाता है. तो 70 माइनस 60.5 इज इक्वल टू 9.5, 65 माइनस 60.5 इज इक्वल टू 4.5. इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आप इसको इसी तरीके से करते चले जाएंगे. इसके बाद अब आप निकालेंगे x1 का होल स्क्वायर. तो इसका इसी वैल्यू को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आप से और ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर आती चली जाएंगी. अब आप इसका टोटल देख लेंगे, तो इसका टोटल जो आ जाएगा सिग्मा एक्स वन स्क्वायर का 5072.50, दिस विल बी द आंसर. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट स्कोर्स फॉर सेकेंड ग्रुप ऑल्सो. तो स्कोर्स जो सोशियोलॉजी के जो सेकेंड ग्रुप के हैं ये आपको एक्स टू यहाँ पर गिवन है, दिस विल बी गिवन. इसके बेसिस पर आपने सबसे पहले सिग्मा एक्स टू निकाल लिया जैसे 825. इसका क्योंकि टोटल एन है तो डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 55, एन टू विल बी 15. अब सेम प्रोसेस से इस 55 से ये वाली वैल्यूज को हम माइनस करते जाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट एक्स टू जो है स्मॉल एक्स टू ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. इसके बेसिस पर हम एक्स टू का भी स्क्वायर निकाल लेंगे, जैसे इसी डिजिट को मल्टीप्लाई उसी से करा और स्क्वायर निकालते चले गए, तो दिस स्क्वायर विल कम. ये आपका सिग्मा एक्स टू स्क्वायर जो है दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 1438. नाउ वी विल कैलकुलेट एस डी. हम इसके बाद एस डी निकालते हैं. इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा एक्स वन स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स टू स्क्वायर होल अपॉन एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन. तो सिग्मा एक्स वन जो है ये वाला, ये आपकी जो ये वैल्यू आई थी ये सिग्मा एक्स वन की 5072, ये आपने यहाँ लिख दिया 5072.50 प्लस सिग्मा एक्स टू स्क्वायर आपका ये आया है 1438. सो दिस इज द वैल्यू 1438 अपॉन एन वन जो था वो 10 था, तो 10 माइनस वन, एन टू वॉज 15, तो 15 माइनस वन, ये आपने कैलकुलेट कर लिया और ये आपका आंसर आ जाएगा 16.82. नाउ यू विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल स्कोर, जो आप टोटल एस डी निकालते हैं. इसका फॉर्मूला यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हो जाएगा एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट एन वन प्लस एन टू अपॉन एन वन एन टू. तो एस डी आपका आ गया है 16.82, दिस इज द वैल्यू. अंडर रूट एन वन आपका 10 था, एन टू आपका 15 था. यहाँ देख लीजिए ऊपर वाले में जो न्यूमरेटर है उसमें पॉजिटिव का साइन बना है, प्लस होंगी दोनों वैल्यूज, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसमें कुछ भी नहीं बना, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर वी विल मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यूज. इस तरीके से आपने फॉर्म करा, यू विल कैलकुलेट, यू विल फाइंड आउट अंडर रूट और मल्टीप्लाई करके आपने ये आंसर निकाल दिया. तो फाइनल आंसर विल बी 6.90. नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन मेन फॉर्मूला दैट इज टी. टी इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एस डी. एक्स आपका जो पूरा टोटल एस डी आया है, तो M1 वन वॉज 60.5, M2 टू वॉज 55.0 होल अपॉन 6.90. अब एक बार फिर से देख लेते हैं, M1 आपका ये आ गया है 60.5, M2 इज 55 जो आपका आया है, M1 इज 60.5, M2 इज 55 और नीचे की जो वैल्यू आपकी SDX आई थी दैट इज 6.90, ये आपकी वैल्यू आ गई है. Now you will calculate this particular thing and you will find the answer as 0.80. अब 0.80 को हम degree of freedom से को calculate करेंगे इसके बाद. तो degree of freedom में n1 plus 1, n1 minus 1 sorry plus n2 minus 1 इस formula को हमेशा लगाते जाएंगे, कल भी मैंने आपको बताया था.
तो 10 माइनस 1 प्लस 15 माइनस 1 ये आंसर आ जाएगा 23। नाउ वी विल लुक इनटू टेबल, जो टेबल मैंने आपको बताई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की टेबल, जिसमें हम देखेंगे। सो हियर इज द टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 23, ये दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 23 के लिए जो टेबल है, इसमें देखिए 0.05 पर जो वैल्यू है दिस इज 2.069, और 0.01 के लिए जो वैल्यू है दिस इज 2.807। अब आप ये देखिए कि जो हमारा आंसर आया था, ये हमारा आंसर आया है 0.80, तो आप दोनों वैल्यूज जो आपकी गिवन है, मतलब 0.80 जो है, जो 0.80 आपका आंसर आया है, वो जो ये गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इनसे दोनों ही वैल्यूज छोटी है, ये दोनों वैल्यूज से छोटा है। मतलब 23 के लिए 2.069 भी से भी, मतलब 2.069 बड़ा है, और इधर 2.807 दिस इज ऑल्सो द बिगर वैल्यू। तो जब ये दोनों वैल्यूज बड़ी हैं और आपका जो आंसर आया है वो छोटा आया है, इसका मतलब दिस आंसर इज नॉन सिग्निफिकेंट, इट इज नॉन सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल एंड 0.05 लेवल। थैंक यू।